गाइस, तो मैंने जैसे मैं ड्यूटी के लिए रेडी हुई उसके बाद मेरी छुट्टी का अनाउंसमेंट हो गया। उसको हमने सेट कर लिया पूरा का पूरा, मतलब मैंने लीव ले ली किसी वजह से। अब वो जो लीव ली वो जिस वजह से ली वो मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, आज बहुत खास काम करूँगी। इधर देखो आप, कप्पू लगा हुआ। कप्पू काम कर रहे हो, काम कर रहे हो? ये कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे ये भी बोल रहा है मैं कुछ बना रहा हूँ तो मुझे आप फ़ोन भी दिया करो ताकि मैं साथ में वीडियो भी बनाऊँ। मतलब सिंगल चीज़ नहीं ले रहा, साथ में फ़ोन भी चाहिए उसको। तो आज हम बहुत ही खास चीज़ बनाएंगे जो कि सबकी फेवरेट होगी लगभग। क्या बनाएंगे कप्पू, क्या बनाएंगे इनको बताओ? तू क्या बना रहा है, तू क्या बना रहा है? तेरे हाथ में क्या है? टोटन। इसके हाथ में टोटन है और ये टोटन से कोई DIY कर रहा है। और अब आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। देखिए हम बनाएंगे आज सारे ही DIY फ्रॉम फेल सीट, इनसे बनाएंगे, ठीक है? और फेल सीट आपके पास नहीं है तो इसका ऑप्शन है आपके पास, आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है बुकरम, बिल्कुल हल्का सा बुकरम आपको लेना है, मतलब जो क्वालिटी में हल्का हो वो लेना है। चिपकने वाला या बिना चिपकने वाला कोई भी चलेगा। और इसमें से आज हम क्या करेंगे, फेल्ट सीट से दो तीन चीज बनाएंगे। आवाज ना कर, बैठा बैठा आवाज कर रहा, टोटन टोटन कर रहा है। तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? तो हम दो तीन चीजें तो बनाएंगे फेल्ट सीट से, और बाकी बनाएंगे इससे। और हम बनाएंगे, अब यह मोटर स्टार्ट हो गई, अंदर जाके आपको बताती हूँ, फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। जब भी वीडियो बनाने बैठते हैं ना तो हजारों मुसीबत है, सब सिर्फ ऐसे ऐसे होता है जैसे ये केंद्र बिंदु है मेरा सिर। हाँ, तो आज हम स्टडी से रिलेटेड बनाएंगे। मैं रसोई में आ चुकी हूँ और स्टडी से रिलेटेड क्या बनाएंगे, अभी एग्जाम आने वाले बच्चों के जस्ट, और मैं दिव्या और तेजस के लिए कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें बनाना चाहती हूँ कि बच्चों का बस ज़बरदस्ती पढ़ने का मन हो जाए। वैसे तो पढ़ते हैं अच्छा, मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बच्चे मोटिवेट हो और उनको एक शौक चढ़ जाए, बस हम पढ़ें पढ़ें, किताब खोलने का मन हो जाए, पेन खोल के लिखने का मन हो जाए, और बैग खोलने का। नहीं तो फिर बच्चे घर पे होते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोन लाओ, खेलने चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं बनाऊंगी एक बुकमार्क, एक पेन पॉकेट, मतलब पेन रखने का ऐसा पॉकेट बहुत ही मस्त सा, और एक पेन खुद डेकोरेट करेंगे मस्त वाली, और एक चीज़ और क्या बनाए, चार तो बना ही दें, क्या बनाए, क्योंकि एक पेंसिल को भी थोड़ा बढ़िया सा फंकी बना देते हैं। और ये बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया, बस ये मुसीबत है, और ये बच्चा ये मेरे पीछे नहीं, पीछा नहीं छोड़ने वाले मेरे। क्यों आया यहाँ पे, सनलाइट पड़ रही थी फेस पे, क्यों आया? ये क्या है? इसको बोलेंगे ये क्या है, ये कहेगा ताबड़ो। ये क्या है, क्या है? अब ऐसे थोड़ी जाएगी, अब ये धूप में इसने देखा ना किरण के सामने, इसको वो आती हुई दिख रही है डस्ट वस्ट, वो ऐसे कर रहा है, इसको लग रहा है कोई आपू है। बहुत ही इजी इजी फटाफट फटाफट बन जाएगी, आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास फेल्ट सीट नहीं है तो आप बुकरम यूज कर सकते हैं। चलो हम फिर बनाते हैं, कप्पू तवे के हाथ मत लगा। चलो फिर शुभारंभ करते हैं। तो जय श्री गणेश। और येलो कलर की फेल सीट लेके हमने ये पेटल्स काटनी स्टार्ट कर दिए, फूल की पंखुड़ियाँ। फिर हमने ये ब्राउन कलर ले लिया है, पहली बार मेरी जुबान से ब्राउन कलर पहली बार में बोला गया है, बाकी बोला ही नहीं जाता, या तो मैं ग्रे बोलती हूँ या ग्राउन बोलती हूँ, पता नहीं क्या बोलती। तो पहली बार जब मैंने ये पंखुड़ियाँ लगाई ना इसके ऊपर तो बिल्कुल गलत लगा दी थी, इतनी पास पास लगाई, और जब सेकेंड लेयर लगाई तब पता चला कि हमारा दिमाग कम काम कर रहा है। देखो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके हिस्से आपके घर की सारी ड्यूटीज आती है, जैसे कि मेरी तरह YouTube जॉब और घर सब संभालना, तो ऐसे में मशीनें आपकी हेल्प कर सकती है और आपका टाइम भी बचेगा और काम भी इजी हो जाएगा। तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम खत्म, मैंने मंगा लिया ये अगारो का क्रेस्ट पोर्टेबल स्पोर्ट क्लीनर। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगी मेन्यू डायरी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे यूज करना है, क्या फायदा है और कैसे इसको सेट करना है। चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टैंक लगे हुए हैं जिसमें पहले में हम क्लियर वाटर डाल के इसमें डालेंगे डिटर्जेंट, और ढक्कन टाइटली बंद करके करके इस तरह हम इसको सेट करेंगे। अच्छा, हमने जो गलती करी है वो आप मत करना, ये लेफ्ट हैंड के पीछे जो एक खंबे जैसा दिख रहा है ना, ये यहाँ सेट नहीं होगा, ये वो वायर लपेटते हैं इसके ऊपर और हमने गलती से यहाँ कर दिया है, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसे सेट करते हैं। और अब ये गंदे पानी का टैंक भी हमने फिक्स कर दिया है और अब हम करेंगे सफाई। तो यहाँ से ऐसे होता है पानी का छिड़काव। तो इसको हमने सेट कर लिया पूरा का पूरा, इसके पीछे है ये लंबा चौड़ा पाइप, और इसका एक ऐसा वाला ब्रश भी है जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती, उसमें पानी चाहिए होता है, इसमें नहीं चाहिए होता। इसको हम यहाँ पर टांग सकते हैं, और इसकी कॉर्ड इतनी लंबी है बिल्कुल कहीं पर भी पड़ोस में भी जाके लगा सकते हैं, हम इससे सफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें क्लियर वाटर डाल दिया, एकदम साफ पानी इसमें डिटर्जेंट भी डाला है, और अब ये पानी जैसे जैसे सफाई होगी ये इसमें आता जाएगा, गंदा पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, साफ पानी इसमें रहेगा, और फिर हम आपको ड्राई क्लीन यानी कि सूखी सफाई करके भी बताएंगे।
चलो स्विच यहाँ से ऑन करने के बाद इसमें से निकलेगा वाटर और डर गए भाई, डरे नहीं है मैंने, से बच्चों को डराने के लिए किया है। इससे स्पॉट्स एंड स्टेन्स हटाए जा सकते हैं, इसलिए मैं तो सबसे पहले सूखे दाग पर ही ट्राई करूंगी क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ा दाग यही है। महीना भर पहले कप्पू ने इस पे पता नहीं क्या गिराया, हमें कानों कान खबर नहीं चली। अब ट्राई करते हैं कि इससे ये रिमूव होता है कि नहीं होता है। दो तीन बार ट्राई करने से सच में ये साफ हो गया है और इसी बहाने हमने पूरी कंबल भी साफ कर ली। वैसे सर्दियां जाने के बाद अब कंबल धोने का पूरा ट्रेंड चल रहा है। मैंने तो एक बार एक कंबल धोई थी और फिर नल पे रखी, पूरा नल ही टूट के नीचे गिर गया। ज्यादा पानी सोखने की वजह से इतना भारी हो जाता है और तीन तीन दिन तक सूखता तक नहीं है और ये कंबल तो थोड़ी देर बाद सूख भी गया था। और गाड़ियों की सीट्स साफ करने के लिए ये स्पोर्ट क्लीनर एकदम बेस्ट है। हमने तो इसको किस किस चीज पे यूज किया आप आगे देखते जाइए। जो जो चीजें हमें हाथ से धोने में मुश्किल हो रही थी वो सारी ट्राई कर ली और सारी सक्सेस हुई कि नहीं हुई वो देखोगे तब पता चलेगा। और ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी की हेल्प से साफ पानी गंदे पानी में तब्दील होकर दूसरे टैंक में चला गया। इसको हम निकाल के खोल के साफ कर देंगे और फिर वापस रखेंगे। सबसे अच्छी बात तो इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और पोर्टेबिलिटी, तो जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे लेके घूम सकते हैं। व्हाइट कलर के ब्रश से सेल्फ क्लीनिंग होती है, तो बस इस पाइप के ऊपर टाइट पैक करने के बाद पानी चालू करते हैं तो अपने आप साफ हो जाता है पूरा। अब मेरे घर में बच्चे ये कारपेट, तो इसको क्यों छोड़ा जाए, पानी छिड़का और सफाई स्टार्ट कर दी। और ये काम इतना सेटिस्फाइंग होता है, आपको बस मैल निकलता हुआ दिखेगा। जैसे देखिए इस टैंक के अंदर ही मैल आ रहा है और इस ब्रश में भी मैला पानी बिल्कुल खींचा चला आ रहा है। भाई दाग धब्बों के साथ ये सारी चीजें और डोरमेट भी साफ किए जा सकते हैं। आपके घर में सोफा वगैरह है तो उसकी भी सफाई इजिली हो जाएगी। अब हम यूज करेंगे ये वैक्यूम वाला ब्रश, तो इससे सारी सफाई हो जाएगी। छोटी मोटी डस्ट जो सोफों के ऊपर या फिर कारपेट्स के ऊपर होती है जो झाड़ू से भी नहीं आती वो भी आ जाएगी। और हाँ, ये स्पॉट क्लीनर 450 वाट का है और अगर हमारे घर में सोफा होता तो सबसे बेस्ट क्लीनिंग वही होती सोफे वाला। बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो भी करते जाते हैं कि एक बार ट्राई तो करते हैं। तो मैंने एक बार इतना तक ट्राई करने के बाद इसको बिखेर के पुर्जे पुर्जे करने के बाद अब बिखेर अब दोबारा शुरू किया, तब बिल्कुल इंसानों की तरह ऐसे सही से लगाई एक एक पेटल पूरा आराम से। और फिर जब दूसरी लेयर लगाई तो एकदम परफेक्ट बैठे और हमारा सनफ्लावर बन के रेडी हो गया। जिस हमारे एग्जाम होते थे, मैं वापस आ गई, जब हमारे एग्जाम होते थे तो हम ये तैयारी करते थे कि हमारे पास पेन भरा हुआ है कि नहीं है, एक पेन ही काफ़ी, हमारी पेंसिल आधे से ज़्यादा हमारे पास है कि नहीं है, क्योंकि छोटी पेंसिल क्या पता एग्ज़ाम में ना मिले, ख़त्म हो जाए। और स्केल वगैरह आगे या पीछे वाला उसके पास या हमारे पास, कि तीनों से किसी एक के पास होना चाहिए, बस तीन चीज़ें काफ़ी थी। चलते चलते हैं, और आज मेरा व्रत है इसलिए भूखे मुझसे काम ज़्यादा होता है। कौन है आप में से ऐसा जिससे भूखे से काम ज़्यादा होता है और पेट भरने के बाद आलस आ जाता है? चलो मैं तो चलूँ यार, बातों में इतना टाइम हो जाए। छोरा भाग गया, मैं लेके क्या गया? बूढ़ी नानी को बच्चा पीछे भगवा रहा है और खुद अंदर चला गया, कुछ लेके भागा है मुझे पता है। तो बच्चे तो गए भाई स्कूल, उनकी कॉपियां चोरी करके लाए अंदर से है। चलो मैं अपनी इस YouTube वाली डायरी के नाप का बनाऊंगी, लेकिन वो बुक में भी आ जाएगा, इस हिसाब से बनाऊंगी दिव्या के काम का। इस डायरी पे मैंने कुछ नहीं लिखा, दिव्या ने एक टेढ़ा मेढ़ा लिखा गमुसारण। ऐसे नाप का एक ले लेंगे इलास्टिक रबड़, फिर हम बनाते हैं इसका बुक मार्क। इसको यहाँ से सिल देते हैं। क्या देख रहे हो आप? ये भी सीख रहा है और मेरा काम सारा सीख जाएगा, फिर मेरे पेट पे लात मारेगा। अब पेपर के हाथ लगाना जरूरी नहीं है, मैंने सीखने को बोला, जरूरी नहीं मेरा बिगाड़ करो। हमने जो ये सनफ्लावर बनाया था इसको इसके ऊपर सीधा ऊपर हम इसको चिपका देंगे। कैंची लेके गए माँ? कैंची देने जा भी माँ, कैसे ले? क्यों कौन रख इन कमरे में ले ले जा किन ना डाके में कब कैंची देनी मैं दे और मेरी आवाज से भी आपको कुछ पता चल रहा होगा क्योंकि ऐसी मोटी मोटी सी आवाज किस टाइम होती है, मतलब कि मैं वॉइस ओवर कब कर रही हूँ। तो हम इस इलास्टिक के ऊपर फ्लावर को अटैच करने के बाद पत्तियां भी चिपका देंगे। और हाँ, बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा टोका मत कीजिएगा, बहुत सारे टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि कैसे तरह तरह के तरीकों से बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो खुद में खुद पढ़े, हमें ची ची ना करना पड़े। तो तेजस को ऐसी चीज़ों का थोड़ा कम ही शौक है, लेकिन दिव्या को बहुत है। आज जब वो छुट्टी से आएगी, इतनी सारी छुट्टी होएगी तब आएगी ना, इतनी सारी चीज़ें देख के खुश हो जाएगी। देख कितना प्यारा बुक मार्क है, ओ माय गॉड, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही अब दिव्या बना दूँ। ओ हाउ वाउ 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 वाउ। फिर पेन को डेकोरेट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे काटना कूटना। पहले हम पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसे फ्रेम्स निकल के आ जाएंगे। ये एक छोटा एक बड़ा, एक पिंक कलर का होगा एक वाइट कलर का होगा, और ये बच्चा मेरा बिगाड़ कर रहा है,
बर्बादी पे तुल आया है। चलो आप बटरफ्लाई बनाते हुए देखिए और मैं आपको कुछ बच्चों की स्टडी से रिलेटेड टिप्स देती हूँ। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों की सच में स्टडी करवानी है और उनको इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई के अंदर, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पूरे दिन वो काँव 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 कौए की तरह ऐसे नहीं करना, बच्चों पढ़ो बच्चों पढ़ो बच्चे पढ़ो, बस बच्चों को सांस ही ना लेने दो, तो बच्चों को जिस चीज़ से प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, उस चीज़ से एलर्जी सा हो जाएगा और वो उससे ऐसे घिन करने लगेंगे। मतलब उनका पढ़ने का मन भी होगा और ऊपर से जैसे वो पढ़ने जा रहा आप लोग कहेंगे कि बेटू पढ़ ले बैठ के, तो उसका मतलब अंदर से ना घुटन सी होगी कि मैं पढ़ने जा रहा था और ऊपर से ये बोल दिया, मतलब उसका मन ही नहीं होगा। जो चीज़ आप खुद मन से करना चाहते हैं उसके ऊपर आप टोकम टोकाई कर रहे हो तो कैसे पढ़ पाएंगे, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर आप सच में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, अपना टाइम निकालिए, बैग उठाइए बच्चों का, पास में बैठिए, अगर आपको पढ़ाना आता है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना आता है तो उनको बोलो कि ये वाला लेसन पढ़ो, ये पढ़ो, इतना पढ़ के फिर उठना, तो बच्चे ज़रूर पढ़ लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ आपको ची ची करने का ही टाइम है, तो मत कीजिएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि आप बच्चों को भर भर के काम दीजिए, काम में इतना बिजी कर दीजिए कि आखिर बच्चों को पढ़ने का मन होगा, क्योंकि बच्चों का नेचर कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ हम ज़्यादा मना करते हैं वही करने का उनका मन होता है। तो आप काम में उनको दबा के रखिए और फिर पढ़ाई करने जा रहा था आप बोलिए इतना काम करके फिर पढ़ लेना और क्या, तो फिर बच्चे का और पढ़ने का ज़्यादा मन होगा। और जब वो पढ़ने बैठेगा ना काम में से जाके भाग के एकदम ऐसे निकल के, तो कुछ तो पढ़ के उठेगा ही उठेगा। अब हम इसे बनाएंगे पेन पॉकेट, जिसमें हम 3-4 पेन रख सकते हैं। और दिव्या घर पहुंचे उससे पहले सब बना देना है, सरप्राइज गिफ्ट फॉर दिव्या। और एक आध तेज इसके लिए बनाना पड़ेगा, वरना वो मुंह सुझा लेगा बदमा, और क्या कहते हैं नाराज हो जाएगा। फोन अटेंड करती हूँ, बाद में बनाती हूँ। हेलो, इतना लाड़ी का बच्चा है कि मेरी हर चीज़ बर्बाद करके रख देता, अब मेरी गोद में क्यों आया, क्या चाहिए? जब भी मेरे पास आता ना इस सामान के बीच इस अटरम पटरम को बिखरा हुआ देख के, तो सबसे पहले बोलता है ताइए, नाम नहीं आता किसी का, सीधा बोलेगा ताइए, बस कुछ भी दे दो आप मेरे को चाहिए। चलो इस बार हम यूज़ करेंगे ये बुकरम और इसका बनाएंगे फ्लावर। तो इस तरह का कुछ हमने पेटल्स काट के ड्रॉ कर करके निकाल लिए हैं, 3 तरह के फ्लावर, मतलब 3 फ्लावर एक दूसरे के ऊपर रखे फूल बन जाएगा। और ये बाद में हम जब पेन पाउच बनाएंगे उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये हमने बीच में ही बना दिया है। इसके बाद हम तेजस के लिए ये बुक मार्क बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ब्लू और वाइट कलर का। बच्चे अभी आने वाले हैं, मुझसे बनी सिर्फ 2.5 चीज़ें, ऐसा करूँगी उनको बोलूँगी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ, तो वो ट्यूशन चले जाएंगे, जब वापस आएंगे तब सरप्राइज़ देंगे, लेकिन इसी वीडियो में सरप्राइज कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस बुकमार्क को कुछ इस तरह स्टिक करेंगे कि बीच बस पेज आ जाना चाहिए कॉपी का, मतलब नोटबुक का, मतलब बुक का जिसका भी हो, फिर हम एक स्माइली भी लगाएंगे ताकि बच्चा इस... तक तो बच्चे आए नहीं, ये तेजस के बुकमार्क बन गया है भाई, बढ़िया सा। और ये बनने के बाद कुछ इस तरह पेज में हम लगा सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा बना है। बच्चे आ चुके, हाँ खोल रही हूँ, ये सारे छुपा दो बाद में ट्यूशन से आएंगे तब सरप्राइज देंगे, खोल रही हूँ सारे छुपा दो, कहाँ से ज्योति तू खोल, आप आ गए। देखो एक बात तो सच है कि हर बच्चा क्लास में टॉपर नहीं हो सकता, और जो टॉपर है वो आपका बच्चा हो ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए दूसरे बच्चे से अपना बच्चे को कभी कंपेयर ना करें, बस जो जितना वो पढ़ रहा है ना उसमें सपोर्ट कीजिए, उसको हिम्मत मिले, ना कि आपके बातों से वो डिमोटिवेट हो जाए, उसकी हिम्मत टूट जाए, खुद को वो ठोट और कमजोर मानने लगे। इधर आ कुछ दो, ये क्या लगाते हैं बुक में, बुक में एक और चीज यहाँ खड़ा है, मैं लेके ये इसके अंदर क्या है, निकाल बैग, कौन सा है मेरा, कौन खींच, अरे हाथ कट गया मेरा, ये वो है, आउ अब कौन सा है मेरा, तेरे को कौन सा लेना, मेरे को ये वाला चाहिए, ले ले, कौन सा बैग है ये ब्लू कलर का, क्या काम आएगा, क्या काम है ये, यहाँ डाल दे एग्जाम में, हाँ इसके अंदर पाउच भी है, दीदी का दिखाओ तो, सेम है बस कलर अलग है, ये पाउच है यहाँ पे नाइस डे लिखा हुआ है, तो कल से इनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, थैंक यू, मैं यही तेल लेके जाऊँ ट्यूशन, हाँ तेरी मर्जी, ट्यूशन रन करना बाकी था इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसकी आई, ये इसमें फूड स्टोरेज वाले में, हाँ नोटबुक्स कितनी ली, अरे आया भागता हुआ क्यों आया, खुश हो रहा बैग पहन के, दिव्या दिव्या आई तो डांटेगी, अब बोल रहा गेट खोलो मैं जा रहा हूँ गेट वेट नहीं खुलेगा, अब उसको ट्यूशन जाना, क्यों, क्योंकि नया थैला, दिव्या बाहर आ गई है, अब दिव्या को देते हैं सरप्राइज, हाय एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं, तो रो क्यों रही है, तो तेरे लिए वो बनाया ना मैंने, ये देखो बुकमार्क पेन,
अब इतनी देर तो मैंने दिव्या को बताया नहीं कि मैं बैग लेके आई हूँ, लेकिन अब वो रो रही है, जाके संभालना पड़ेगा वरना ज्यादा रोने लग जाएगी। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। दिव्या को एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पेन पाउच बंद करो इसको ऊपर का। बैग कितना मिला? ये बैग लगे 550। अरे बुक ये बुक मार। तो देखिए आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम के नाम पर उनके दुश्मन ना बने, बच्चों की मुश्किलें और ना बढ़ाएं, और मेंटली दबाव इतना ज्यादा मत बढ़ाएं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो आंखों के नजरों से निकाल रहे हैं वो भी उनको याद ना हो, बस बुक खोल के बैठे हैं, क्योंकि आप लोग दबाव डाल रहे हैं और आंखों में नींद आ रही है, ये नहीं होना चाहिए।